हेलो टू एवरीवन, वेलकम इन इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि ह्यूमन कैपिटल क्यों इम्पॉर्टेंट है किसी इकोनॉमी की ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए। So let me start first from the definition of human capital formation. And definition of human capital formation जो है वो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। जी एम मायर ने जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन दी है, अकॉर्डिंग टू जी एम मायर, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन who have the skill, education and experience which are essential for the economical and political development of a country. तो ये प्रोसेस है जो कि इंक्रीज करता है नंबर ऑफ पर्सन्स को इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर, जो कि स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं। क्योंकि जब ऐसे लोग कंट्री में ज़्यादा होते हैं तो ऐसी कंट्रीज़ ज़्यादा डेवलप करती है और उनकी जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो बेटर एंड बेटर होती चली जाती है। अब क्या कॉन्सेप्ट है ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, उसको समझते हैं। देखिए, आपको पता है अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स, जैसे डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे ही ह्यूमन क्योंकि एक तरह से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी वर्क करता है एज ए लेबर और एज ए एंटरप्रेन्योर, तो हम उसको एज ए रिसोर्स मानते हैं। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं या फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स को टर्न किया जा सकता है इनटू ह्यूमन कैपिटल लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। और ये टर्न कैसे होते हैं, सिर्फ हमने एग्जाम्पल लिए हैं इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के, इसके अलावा जितने प्रोफेशनल्स होते हैं वो सारे भी टर्न हो जाते हैं by investing in education and health, education और health में invest करके। अब जब human resource convert होती है human capital में, तो human capital refers to the stock of skill and expertise। तो हम human capital को कह सकते हैं कि एक stock है ऐसे लोगों का जो skilled हैं और expertise हैं किसी nation के अंदर at a point of time। तो stock, क्योंकि हमने यहाँ पर stock बताया है, तो स्टॉक का मतलब विच इज ऑन पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। नाउ अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। अब इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि भाई ये एडिंग ऑफ स्टॉक क्या है ह्यूमन कैपिटल का। कि हम ये मानते हैं कि भाई एक कोई कंट्री है, एक एग्जांपल लेते हैं, और उस कंट्री के अंदर ईयर 2019 में 10,000 स्किल्ड वर्कर्स, मतलब 2019 के बिगनिंग में 10,000 स्किल्ड वर्कर्स थे। अब क्या होता है कि एट द बिगनिंग ऑफ 2020, मतलब एक साल बाद, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो इंक्रीज हुए और वो 10,000 से इंक्रीज होकर 12,000 हो गए। नाउ ह्यूमन कैपिटल स्टॉक में कितना इंक्रीज हुआ, 2,000 इन अ ईयर, एक साल के अंदर 2,000 का। सो हम कह सकते हैं देर इज ए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 स्किल वर्कर्स इन अ ईयर। तो ये प्रोसेस है, है ना। और प्रोसेस कैसा, ऐड करने का स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल में, कि जो पहली ह्यूमन कैपिटल है उसमें नई ह्यूमन कैपिटल को ऐड करने का। अब ह्यूमन कैपिटल क्यों ज़रूरी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई ह्यूमन कैपिटल को ऐड करना क्यों ज़रूरी है। वी नो डैट द लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन ऑफ एन अनएजुकेटेड पर्सन, एंड हैंस द फॉर्मर
इज एबल टू जनरेट मोर इनकम, मतलब जो एजुकेटेड पर्सन है, क्योंकि वो एक स्किल्ड पर्सन होगा तो वो ज़्यादा इनकम जनरेट करेगा या अर्न करेगा एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन। तो जब वो ज़्यादा इनकम अर्न करेगा कोई पर्सन, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा जीडीपी के अंदर वो भी ज़्यादा होगा, उससे नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होगी और जीडीपी भी इंक्रीज़ होगी, और इससे बेनिफिट मिलेगा इकोनॉमी को, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ कॉन्सिक्वेंटली या एज ए रिजल्ट मोर इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा स्किल्ड और ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन होंगे तो इनकी इनकम भी इंक्रीज़ होगी, और इनकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो हमारी जीडीपी भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जिस भी फील्ड में वर्क करेंगे वो उस फील्ड में एक्सपर्टाइज होंगे और उनकी इफ़िशेंसी ऑफ वर्क मोर होगी, ज़्यादा होगी, और उनका जो आउटपुट होगा, जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी मैक्सिमाइज होगी, बहुत ज़्यादा होगी। नाउ लेट वी अंडरस्टैंड अबाउट द ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल, क्योंकि फिजिकल कैपिटल आप पहले स्टडी कर चुके हैं, तो अब इन दोनों की क्या इम्पोर्टेंस है किसी इकोनॉमी के अंदर, क्यों हम ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इतना इम्फेसिस कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज़ ए इफिशेंट यूज़ ऑफ स्केर रिसोर्सेज। ये हमने पढ़ा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम में भी, कि भाई जब ही ग्रोथ पॉसिबल है, जब जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हमें मानते हैं कि हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्केर हैं, और उनका जो यूज़ हो पूरा इफ़िशेंटली हो, मतलब मैक्सिमाइज हो सके। अब यहाँ पे हम जिन रिसोर्सेज या जिन स्केर रिसोर्सेज को डिस्कस कर रहे हैं, वो फिजिकल और ह्यूमन है। सो फिजिकल कैपिटल इज़ नीडेड टू मेक यूज़ ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल कैपिटल का यूज़ होता है फिजिकल रिसोर्सेज में, प्रोडक्शन में। अब फिजिकल कैपिटल क्या होते हैं, एग्जाम्पल जैसे प्लांट होती है, मशीनरी होती है। एंड सिमिलरली ह्यूमन कैपिटल इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन। और वहीं पर जो ह्यूमन कैपिटल है वो इंक्रीज़ करती है एफिशिएंसी, मतलब अगर कोई लेबर है और वो लेबर स्किल्ड है तो उसकी जो एफिशिएंसी ऑफ वर्क होगी वो ज़्यादा होगी, और एफिशिएंसी वर्क ऑफ मोर होने से उन प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, उसका आउटपुट इंक्रीज़ होगा। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी ऑफ वर्क में को मैक्सिमाइज करना है। नाउ ह्यूमन कैपिटल हम पहले समझ चुके हैं ह्यूमन कैपिटल क्या है, अब हम फिजिकल कैपिटल को भी एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आपको वैसे पता है, तो इट इंक्लूड्स ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स। तो ये एग्जाम्पल हो गए आपके फिजिकल कैपिटल के। नाउ लेट वी डिस्कस क्या डिफरेंस है बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल में, क्या डिफरेंसेस हैं। सो फर्स्ट तो डेफिनेशन से ही डिफरेंस आ जाता है। फिजिकल कैपिटल इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और ह्यूमन कैपिटल इट इंक्रीज द एफिशिएंसी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे एफिशिएंसी का मतलब ये आ गया कि जो क्वालिटी है वो इंक्रीज होगी। अगर ह्यूमन कैपिटल मींस एक स्किल्ड और एजुकेटेड पर्सन कोई गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है तो उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकता है। तो बाय द ह्यूमन कैपिटल क्या करेगी, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ फिजिकल कैपिटल इज सोल्ड इन द मार्केट। फिजिकल कैपिटल को सोल्ड किया जा सकता है, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, हम उन्हें मार्केट में सोल्ड कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे भी कोई इंडस्ट्री प्लांट लगाना है तो मैं जाऊंगा कहीं से, मशीन परचेज करूंगा वहीं पर, और जब मशीन परचेज हो जाएगी तो आई एम द ओनर ऑफ डेट मशीन और डेट एसेट, और वो फिर मैं उस फिजिकल कैपिटल का ओनर हो जाऊंगा। वहीं पर जो आपकी ह्यूमन कैपिटल है, इट इज़ नॉट सोल्ड, ये सोल्ड नहीं की जा सकती है। जो ह्यूमन है वो अपनी सर्विस को सोल्ड कर सकता है, ओनली द सर्विस ऑफ ह्यूमन कैपिटल आर सोल्ड। मीन्स अगर कोई लेबर है या कोई इंजीनियर है और वो किसी कंपनी में वर्क करता है,
तो ओनर उसको खरीद नहीं सकता। हाँ, वो जो जब तक वो वहाँ पे काम करेगा वो उसके लिए उसको पेड करेगा, क्योंकि वो इंजीनियर है और वो अपनी सर्विस दे रहा है उस कंपनी को। तो उससे टू रेंडरिंग देयर सर्विस वो सैलरी लेता है उसके लिए। नाउ नंबर थ्री, जो फिजिकल कैपिटल होती है इट डेप्रिसिएट्स ओवर टाइम। ये समय के साथ साथ डेप्रिशिएट मतलब उसकी जो वैल्यू है वो घटती चली जाती है ड्यू टू कॉन्टिन्यूस यूज़, या तो लगातार यूज़ करते हैं। आपको पता ही है कोई भी प्लांट है, मशीनरी है, इसको हम लगातार यूज़ करते हैं, उसमें डेप्रिसिएशन होता है। और ड्यू टू चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड। और सेकेंडली क्या होता है, चेंज इन डिमांड की वजह से हो सकता है ना। तो डेप्रिसिएशन जो होता है एक्सपेक्टेड होता है, और चेंज इन डिमांड अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। पैटर्न डिमांड में चेंज आ गया, जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज देखते थे, फिर कलर टीवी आए, फिर एलसीडी आए, फिर एलईडी आए। ऐसे ही प्लांट्स या मशीनरी में होता है कि मशीन्स जो हैं वो आउटडेटेड होती चली जाती हैं और न्यू टेक्नोलॉजी आती चली जाती है जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब ह्यूमन कैपिटल में क्या होगा, देर इज़ नो डेप्रिसिएशन। ह्यूमन कैपिटल के अंदर कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता है, और ह्यूमन कैपिटल को जो डेप्रिसिएशन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है टू मेंटेन इफिशेंसी। जो उसका वर्क की क्वालिटी है वो बनी रहे, उसके लिए रेगुलर ट्रेनिंग, जिसको हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी कहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर ह्यूमन कैपिटल। नंबर फोर, फिजिकल कैपिटल लाइक मशीनरी इज सेपरेबल फ्रॉम द प्रिंसिपल। तो फिजिकल कैपिटल जो है वो सेपरेट की जा सकती है ना, उसके प्रिंसिपल से, मतलब जो उसका ओनर है, अगर वो चाहे तो उसको सेल कर सकता है, उसका कोई और ओनर बन जाएगा वहीं पर। ह्यूमन कैपिटल जो है तो उसके पास, ह्यूमन कैपिटल में हम क्या काउंट करते हैं, किसी पर्सन के अगर स्किल्स हैं तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उसकी मार्केट वैल्यू या कहें उसकी सैलरी ज़्यादा होगी एक अदर पर्सन से, तो वो कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रिंसिपल। मतलब उस ओनर से उसको अलग नहीं कह सकता। मतलब हम किसी इंजीनियर को बुला के ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आपको जो जो आता है वो हमें ट्रांसफ़र कर दो और आप जाओ, आप जो नॉलेज है आप उसका वैल्यू ले लो, क्योंकि वो तो रेगुलरली इन्हेंस होती जाती है बाई द ट्रेनिंग्स और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो ह्यूमन कैपिटल स्किल इफिशेंसी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रिंसिपल, उसको कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल इज एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। तो जो फॉर्मेशन है फिजिकल कैपिटल का, मतलब जो फिजिकल कैपिटल डेवलप होती है, बनती है, वो एक इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस है। टेक्निकल क्यों है, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी जो मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है, और इकोनॉमिक ये है कि रिक्वायरमेंट, डिमांड, जिस चीज़ की डिमांड होती है वही मशीन, वही टूल्स प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। तो फिजिकल कैपिटल जब ही बनेगी जब उसकी इकोनॉमी में रिक्वायरमेंट है, उसकी डिमांड है, और साथ में उसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। वहीं पर फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज़ पार्सली ए सोशल प्रोसेस एंड पार्सली ए कॉन्शियस एफर्ट। मतलब जो ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगी वो सोशल प्रोसेस भी है, साथ में कॉन्शियस एफर्ट मतलब खुद का एफर्ट भी है। जो पर्सन है प्रोसेसर, मतलब जो प्रोसेसर है उसका खुद का एफर्ट भी है, उसकी खुद की कॉन्शियस, उसकी खुद की इंटेलिजेंसी, उसकी खुद की आईक्यू भी है। तो सोशल प्रोसेस मतलब जो भी हम ये कह सकते हैं, जैसे आप एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर हैं स्टूडेंट्स, तो जो आप सीखते हैं वो अपने खुद की इंटेलिजेंसी से, साथ में जो आपका एनवायरनमेंट है उससे भी आप काफ़ी चीज़ सीखते हैं अपनी सोसाइटी से। तो डैट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल दोनों ही इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इसमें हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन जब इंडिया में हुआ था, तो उसके लिए अगर हम ये एक अकाउंटेबल गए भाई किसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसमें फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल दोनों का पार्टिसिपेट था। फर्स्ट, क्योंकि पॉसिबल हुआ था HIV सीड्स और आपके मॉडर्न मेथड्स से, और यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स, मशीन्स, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो थे आपके ट्रैक्टर्स मशीनों के यूज़ से, और बेटर इरिगेशन सिस्टम्स की वजह से। अब ये जो मशीन्स थे, टूल्स थे, HIV सीड्स थे, पेस्टिसाइड थे, इंसेक्टिसाइड्स थे, ये डेवलप कैसे हुए, दिस इज़ डेवलप्ड बाय द ह्यूमन। और ह्यूमन
ने कैसे डेवलप किए? ड्यू टू द एजुकेशन एंड स्किल एंड एक्सपर्टाइज। तो पहले ह्यूमन कैपिटल डेवलप हुई और उन्होंने फिर इन चीज़ों का रिसर्च की और इनको डेवलप किया, जिससे फिजिकल कैपिटल डेवलप हो पाई। तो दोनों का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सो ये आज का टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और ये इस चैप्टर का पार्ट वन है, ये वीडियो का पार्ट वन है। लेटर आई विल बी प्रोवाइड यू द नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स और सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और इसमें हम स्टडी करेंगे कि भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किन चीज़ों की वजह से पॉसिबल हो पाता है, या क्या सोर्सेज हैं जिन पर हम वर्क करें, और उन सोर्सेज की वजह से हम ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऐड कर सकें, या ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल को ऐड कर सकें जिससे हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो पाए। सो डैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।